तो ये सभी शोर की शोर होती है भाई, हमारे प्रिंस जो कि आराम से ऐसा लेटा हुआ है, दोनों को रानी पंखा लगाई जा रही है और खिलाई जा रही है, और कुछ बॉडी गार्ड्स यहाँ पे थे भाई, सोल्जर्स वगैरह वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे खड़े हैं। और जो सिस्टम के अंदर ना ये मूवीज भी देख सकते हैं, और लेटे लेटे सोचते हुए लिटरली सुबह यहाँ पे उठना है, आराम से लेटे रहना है, बॉडी गार्ड प्रोटेक्शन करेंगे, नौकरानी सेवा पानी करेंगे, बस मुझे खाना है और दिन भर यहाँ पे भाई प्रोग्राम इन्जॉय करना है, जिंदगी हो तो ऐसी। जो सोल्जर यहाँ पे थे ना उनको गुस्सा आता है बहुत ही ज़्यादा कि भाई एक हमारी महारानी है जो कि दुश्मन के एरिया में जाके जान से भाई खेल रही है, दुश्मनों के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जिएंगे या नहीं जिएंगे कोई भरोसा नहीं है, और ये उनके हस्बैंड यहाँ पे खाली मजे किए जा रहे हैं। उतने में जो जुओ यहाँ पे थी ना, जुओ आ जाती है, कहती है हेलो मैं यहाँ पर आ गई, मैंने भाई हमने देखा था लास्ट एपिसोड में दम तैयार व्यार होकर आ रही थी, तो जैसे जनरल यहाँ पे देखते ना वो लोग भी चौंक जाते सोल्जर्स वगैरह, कह रहे यार ये सच्ची में वही मैडम है ना यार, ये कितनी ज़्यादा बदल गई है। सामने से अपना मेकअप भी पूछते भाई बोलो यार क्या हुआ आज तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये कहती है महारानी ने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया था आपकी प्रोटेक्शन करने का, तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आ गई और क्या। तो सामने से प्रिंस मना कर देते, कहते कि छू छू निकलो निकलो, नहीं मैंने कब बोला भाई कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए, तुम्हारे बिना भी है ढेर सारे बॉडीगार्ड जो मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। मनी मन सोचता भी मेरे पावर के बारे में ना बस इस वो को आइडिया यहाँ पर रहेगी और गलती से पावर एक्सपोज यहाँ पे कर देगी तो लफड़ा हो जाएगा यार, कुछ भी हो जाए ये मेरे साथ यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। जो जनरल हुई आई मीन जो सोल्जर यहाँ पे ली हुई ना वो मनी मन सोचते शीड भाई इन्होंने जुओ के साथ ऐसे बातचीत कर लिया, अब जुओ को पक्का गुस्सा आएगा, माँ बहन की गालियाँ यहाँ पर प्रिंस को देगी, लेकिन मैं रोक दूंगी देने से पहले। वो तो शर्माते शर्माते कहती नहीं कुछ भी हो जाए महारानी का ऑर्डर है आपके प्रोटेक्शन करने का, ये यहाँ नहीं आपकी प्रोटेक्शन करूंगी, यहीं पर रुकूंगी कहीं नहीं जाऊंगी। वो सोल्जर भी हिल जाते कह रहे यार ये जुओ के यहाँ पे हो क्या गया यार, ये लगता पक्का पगला गई होगी इनको, जो अब्बा जान है ना भाई अब्बा जान को बताना पड़ेगा देखो अपनी बेटी को पगला गई है। स्टार्टिंग में ना भाई हम सोचते थे भाई इस प्रिंस में ऐसी क्या खास बात है, बस ये दिखता ही अच्छा है और इसमें कोई खास बात नहीं, आई डोंट नो भाई महारानी ने इसको कई को पटाया होगा और कई को इसके साथ यहाँ पे शादी की, अब समझ आ गया खाली इसने महारानी को नहीं बल्कि इतनी सख्त लौंडिया को भी पटा के रखा कि भाई ये भी उसकी चाटने को तैयार है। फिर कुछ समय बाद ना सोल्जर्स लोग ना आपस में डिस्कस यहाँ पे करते हैं, उनको खबर यहाँ पे मिल जाती है कि भाई जो ब्लड मून टावर यहाँ पे था ना उसका एक जो छोटा ब्रांच यहाँ पे था डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो गया, उसके जो मलबे वलबे ना नीचे पाए गए हैं, तो ऐसा कहा जा रहा उनका जो था ना भाई ब्रांच वो आसमान में यहाँ पे था, समझ रहे हो। तो जैसे ये लियू यहाँ पे सुनती है ना ये भी सोचती है तभी तो यार वो हेडक्वार्टर है ना कभी उनका मिल ही नहीं पाता, कोई सा उनका ब्रांच ही नहीं मिलता क्योंकि भाई सब लोग आसमान में जो ठहरे। पीछे से जुओ आती है और कहती है बोलो यार क्या हुआ आपस में तुम लोग क्या बातचीत किए जा रहे हो, तो ये सामने से बताती है कि वेल क्या बातचीत किए जा रहे, अरे आपको मालूम चला क्या ये जो ब्लड मून टावर है ना उसका एक सब ब्रांच वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके जो किलर्स है यहाँ पे मारे गए हैं। जो सुनते जुओ कहते हैं यहाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सामने से लोग चौंक जाते भाई हाँ तो यार आप हाँ तो यहाँ पे कह रहे हो यार हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट दुश्मन थे, दुश्मन यहाँ पे बर्बाद हो गए और हाँ तो इसको सामने से याद आता यार हमने डिस्ट्रॉय किया यार, लेकिन हमको नाटक करना छुपाना है ना, इसलिए कहती आ या ओ ओ हाँ हाँ बहुत सरप्राइज की बात, इतनी सरप्राइज की बात है ना कि भाई मेरा रिएक्शन निकलने में भी टाइम यहाँ पे लग गया, या बहुत ही सरप्राइज की बात है। हाँ तो पीछे से प्रिंस भी देखता सोचता कि अरे यार ये लड़की को बिल्कुल भी नाटक करने नहीं आता, इसलिए तो मैं चाहता हूँ मुझसे दूर है, इसके चक्कर में मैं एक्सपोज हो गया तो मेरे तो घोड़े लग जाएंगे। जनरल यू सामने से ये भी कहती कि शिट यार लेकिन कहीं से भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं हुई यार। जो सुनते ये कहते क्यों नहीं यार, ब्लड मून टावर वालों ने आपको फियोंसे के मारा था, यानी आपके फियोंसे का बदला यहाँ पे पूरा हो गया है, तो यार मतलब यार तो इसमें बुरी बात यहाँ पे क्या हुई है, तो अच्छी बात हुई ना। वो कहते नहीं जो डिस्ट्रॉय यहाँ पर हुआ ना वो उनका सब ब्रांच यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, उनका जो मेन हेडक्वार्टर है ना मेन हेडक्वार्टर भी कहीं ना कहीं बरकरार होगा, उसको जैसे मालूम चलेगा मेन हेडक्वार्टर को हमारे बारे में कि भाई हमने डिस्ट्रॉय किया, उनको आ जाएगा गुस्सा, उनका वॉस लीडर सबके सो हमला करने यहाँ पर आएंगे, हम सबको मार देंगे, महारानी भी यहाँ पे नहीं है तो यार हम तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएंगे ना यार। तो सामने से यहाँ पे भाई वो हंसने लग जाती है, सारी बातें यहाँ आते हैं कि उनका वॉइस लीडर उनका लीडर तो भी बच्चे जैसे यहाँ पे चुप रहता तो हंस रही थी। सामने से लियू और भी चौंक जाती कह रहे यार अगर ये सब बात ना अगर मैं जुओ को बताती यानी इनको पहले बताती ना ये घबरा जाती, ये जाके अपने बाप को बताती, सारे सोल्जर्स को बताती, महारानी के पास ये खबर पहुँचाती और जंग करने की तैयारी करती, लेकिन यार प्रिंस के मिलने के बाद आई डोंट नो इनको क्या हो गया ये हंस रही है। तो सामने से पूछते भी कह रही यार जुओ आपको क्या हो गया यार आप हंस काहे को रही हो, इसको भी एहसास होता कि शीट भाई अरे 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 मैं तो हंस रही हूँ अरे मैं सामने से क्या बोलूँ, और वो लोग ऐसे इशारे से कहते हैं बोलो 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 यार हंस काहे को रही हो, ये कहती है सच्चाई गलती से बताने वाली थी क्या ना ब्लड मून टावर वो तो पूरा जैसा इतना बोलते ना पीछे से अपना प्रिंस आता जोर से टपली मारता है और कहती साली मैंने बोला तो छोटी बच्ची है एकदम दिमाग नहीं तेरे पास, हमारा देश इतनी बड़ी मुसीबत में हमला वमला वो लोग कभी भी कर सकते उनके हेडक्वार्टर वाले, और तुम यहाँ पे हंसे जा रही हो, अरे तुमने हंसा ना तो भाई तुम्हारा मुंह है ना फेविकिक से यहाँ पे सिल दूंगा, जिंदगी में कभी भी हंसने के लायक नहीं बचोगी। सामने से वो भी कहती सॉरी सॉरी सॉरी, मनी मन सोचती यार गलती से ना मेरे मुँह से सच्चाई निकल जाता, सही टाइम पर प्रिंस ने
मुझे रोक दिया। जनरल यू से भी कहता है सॉरी जनरल यू यार क्या करिए, वो छोटी बच्ची है भाई लेकिन दिल की बुरी नहीं है, हंस देती कभी कभार, बस माफ़ कर दो इसको। और जनरल यू यार मतलब डोंट वरी, हमारे देश पर कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे क्यों ना जाए, हम हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ है, आपके सारे जो दोस्त लोग हैं ना हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे कर लेंगे, हमको पूरा विश्वास यहाँ पर है। हाउ द जोश, अरे कुछ तो बोलो, डोंट वरी, अरे चलो यार जुगो मेरे साथ, हाँ इस बच्ची को मैं सबक सिखाऊंगा, कुछ भी यहाँ पे बोलती रहती है और सीरियस मामले में हंसते रह जाती है, डोंट वरी इसको तो मैं पेल पेल के ठीक कर दूंगा, इतना बोल को उसको लेकर चल जाता है। जो भी सोल्जर्स यहाँ पे थे ना भाई और हिले रह जाते हैं। लियो से पूछते लियो, जहाँ तक हमको मालूम है तुम यहाँ के सीनियर सोल्जर हो, जब वो जुगो छोटी बच्ची यहाँ पे थी ना तब से तुमने उसको बड़ी होती हुई देखा है, ये पहले तो ऐसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, यार अचानक से इतनी चेंज यहाँ पे कैसे हो गई, ये लिटरली प्रिंस की बात मान गया, प्रिंस अच्छा खासा होता तो समझ भी आता, एक नल्ले प्रिंस की बात, जैसे लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी बात यहाँ पे काय को मान रही है यार, मेरे को गड़बड़ लगता है। जो सुंदर लियो कहते तुमको गड़बड़ लगता है, हमको बहुत ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे लगता है, इनके बारे में ना भाई जितना जल्दी हो सके जेने शांगशु को हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, अंडरस्टूड? सब लोग कहते हैं यस अंडरस्टूड। उसको यहाँ पे प्रिंस जुओ को सुमड़ी में लेके आता है, उससे कहता है मेरी माँ यार तू गलती से एक्सपोज कर देती, बता देती फिर भाई मेरी इज्जत की धजिया उड़ जाती, नहीं मेरी इज्जत तो बढ़ जाती लेकिन भाई फिर मुझे काम दे दिया जाता कि भाई तू उसको मार, तू उसको मार, मुझे नहीं मारना, मुझे बस आराम से प्यार से अपनी जिंदगी यहाँ पे जीना है, समझ गई क्या? वो कहती आई एम सॉरी बाबू, गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। जो सुंदर ये भी कहता है चल चल ईश्वर मैंने माफ कर दिया, अगली बार हो गया ना सच्ची में भाई मैं तुझे बिल्कुल भी माफ करने वाला नहीं हूँ, जाके अपना काम कर, इतना बोल के अलग होने वाला था। वो घुटने पे आ जाती है, गिड़गिड़ाने लग जाती है, कहती है प्लीज यार मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, मुझे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दीजिए। जो सुनते हैं सामने इससे ना मना कर देता है टियानो, कहता ना यार मैं तुमको कुछ भी सिखा नहीं सकता, मुझे खुद यहाँ पे कुछ नहीं आता। जो सुनते ये कहती चलिए यार झूठ मत बोलिए प्रिंस, आप इतने स्ट्रॉन्ग है मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है, तो ऐसे कैसे नहीं सिखा सकते। वो कहता भाई क्योंकि भाई मैंने सच्ची में कुछ सीखा नहीं है, मैं पुनः जन्म लेकर आया हूँ इसलिए मुझे सब कुछ आता है। जो सुनते ये कहती है सुनिए अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, 16 साल की हो चुकी हूँ, ऐसी फालतू बातें करके ना अब मुझे बुद्धू बना नहीं सकते। जो सुंदर टीएन कहता है भाई मेरे ख्याल से तू बड़ी हो गई है, तेरे जिसमें बड़ा हो गया है लेकिन तेरा दिमाग एकदम छोटा ही है, कोई कहते ना कोई मिल गया कि रोहित जैसा तेरा है, खाली जिसमें बड़ा हो गया दिमाग अभी छोटे बच्चे जैसा है, सामने से मैं सच कह रहा हूँ मैं तुझे कुछ भी सिखा नहीं सकता बाय, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। लेटा हुआ था लेकिन तो भी पीछे पीछे आ जाती और कहती कि प्लीज से डिसाइपल बना लो, ये कहता नहीं, और जहाँ जहाँ जाता ये वहाँ वहाँ आती बना लो बना लो बना लो। 1.5 महीने या आधे महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, जंगल में आकर आराम से सुअर पका के खा रहा था। वो कहता भाई मैंने सुना ये सुअर के अंदर बड़ा चमड़ी होता है, मज़ा आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। गार्ड्स भी यहाँ पे कुछ थी, उतने में एक और गार्ड यहाँ पे भागते भागते आती है और कहती सुनो सुनो सुनो, यहाँ के गार्ड कहती भाई पैलेस में रह के पैलेस की प्रोटेक्शन काम तुम्हारा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बताती भाई अरे जो मेन हेड क्वार्टर यहाँ पे था ना भाई ये ब्लड मून बिल्डिंग का बर्बाद हो गया, खत्म, पूरा पूरा डिस्ट्रॉय, किसी स्ट्रॉन्ग बंदे ने उसको खत्म कर दिया, उनका लीडर वॉच लीडर जो फीमेल लीडर यहाँ पे थी ना सबका सब यहाँ पे मारे गए, खुशखबरी है ना? लोग सामने से चौंक जाते हैं, कोई और बंदा आया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हमको तो एकदम आइडिया वाइडिया भी नहीं चला यार, कितनी ज्यादा खुशी की बात है। लिटरली सबका सब यहाँ पे खुश हो जाते। जो लियो यहाँ पे थी ना एक पेंडेंट निकाल लेते जो कि इसके फियोंसे का था और रोते रोते कहती भाई देखो किसी और बंदे ने तुम्हारे बदला ले लिया, तो जिसने भी यहाँ पे लिया उसका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो दूसरी ओर से जो जुओ थी ना वो शुक्रिया बोलती है प्रिंस को, तो प्रिंस कहता मेरी माँ तू काय को शुक्रिया बोलिए, तेरे पति का मैंने बदला नहीं लिया किसी और का लिया, उसने थैंक यू बोला, तू चुपचाप अपना मुझे काट के देकर मतलब काट के मुझे खाना दे। वो भी कहती है हाँ हाँ दे रही हूँ भाई, कहते ना बोरिंग है भाई ये नहीं वेलकम बोल दूँ, वेलकम कहता है लेकिन जुओ से ऑफकोर्स नहीं, जो लियो यहाँ पे था ना लियो से दो से ही हल्के से कहता है ओके वेलकम, एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।